यहाँ पे नॉर्मली खड़े हुए भी ऐसा लगता है कि लोग टिल्ट हुए हैं। आज किंग 9 बजे गए उठ रहे, व्लॉग भी अनलिस्ट कर दिया आज बिल्कुल सही टाइम के लिए, 11:30 आ रहा व्लॉग, अरे से देख लो भाई। यूं ही तो पसंद नहीं मुझे, जो लोग फिटनेस पर ध्यान नहीं देते अपने सुबह अर्ली उठने पर ध्यान नहीं देते। दो पुशअप बस, दो पुशअप ही फिट रख रही है चौधरी साहब को। वीडियो करते हुए 15 बारी अपने दिमाग में ऐसे सोच ले, जो लड़की तुझे पसंद है ना उसका बॉयफ्रेंड साइड में है और वो तुझे देख रही है तरबूज रख रखा स्लैब पे सुबह 10 बजे। आज तो कहना अंदर ब्लड ही उतर रहा, सुबह खून ही खा रहे आज तो। अब तो अजय भैया को गा करेंगे कि वो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था, अब तो सिर्फ खाना बनाओ। अजय भैया को हम दिया करेंगे अब तो ब्रेकफास्ट बना के, जल्दी फिटनेस इज माई पैशन। कल तो मैं भाई 11 बजे लेटा, कल रात क्या सीन हुआ, मैं 11 बजे लेट पूरा ट्राई करा मैंने कि मैं सोऊंगा, मैं नहीं सो पाया, 12:15 हो गए। फिर मैंने थोड़ी देर फोन चलाया, फिर मुझे लगा मैंने कह रही तो वही काम शुरू हो गए दोबारे, फिर लेट गया, फिर मेरी 1 बजे आग लगी। मतलब लेट 2 घंटे तो मैंने वेस्ट करे कल नींद लेने के लिए, मतलब ब्रेन ऐसा हो जा आदत पड़ जा, मैं 3 बजे से पहले नहीं तो मैं सो ही नहीं सकता। बार बार मन कर रहा था सीरीज देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं। मैं भी 3 बजे सोया रहा था यार, पर उठ गया 8 बजे। आज है पूरा दिन खाली, आज डिपेंड करेगा इस चीज पे कि हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा है। ब्रेकफास्ट के लिए भी चाहिए ना। चलो मुझे तो ये लग रहा था कि पंकज ने वो कर रखा, बर्तन नहीं दो रखे, दोनों को मना कर देंगे। यूरी तुम्हारी दादी दादी टफ है कटी भाई यार, ये तो बढ़िया नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है? ये कम लाल लग रहा मुझे, कच्चा लग रहा मुझे तो, ये तो कुछ है ही नहीं। एक आदमी खा सके इसे बस, वो तुम्हें पता ही है। मैं फ्रेश होके आ रहा, मेरा छोड़ दियो बस। बेटी क्यों हमारी इंसल्ट कराती रहे, अच्छे से वेल ग्रूम चाहिए मुझे इंसान। ऐसा एकदम क्या देख लो, ये चेन में 2 धागे ऐसे बुन रखे। हाँ ये फंस रहे यार, अब मैं क्या करूँ, ये मैंने बहुत ट्राई करा निकालने का पर ये निकला नहीं। ऐसे ही ठीक है भाई, सिर्फ मेरे अंदर भी वीडियो करने का कॉन्फिडेंस है। थंबनेल तो आज तक जितने भी बनाए सारी वीडियोस पिटी, स्किल्स ही कम है तो इसीलिए हमारे थंबनेल बनाता है रे। वेक द फक अप मैन। चलो भाई, फैमिली ने कल वाला व्लॉग तो अच्छे से देखा नहीं, तो आज मेहनत करनी पड़ी बता, ये लगा के चलना पड़ा, नहीं तो कोई चले गया बता दिल्ली में सब लगा के। चालान कटे दिल्ली में गोप्रो पे है, गोप्रो हीरो 9 लगा रखा। जैन छोले चावल वाले यहाँ मैंने 1.5 साल पहले खाया था, हमने मधुर भैया आए थे जब उनकी गाड़ी में यहीं बैठ के वापस हमें याद आया और हम आगे खाने, तो मैं छोले चावल खा रहा हूँ। मेन्यू देख ले बग्गे, किंग के छोले चावल ला दिए यार, राजमा चावल कहा था बताओ। ये देखो ये है लोंडे, इन्हें पता ही नहीं क्या लाना क्या नहीं, तो मैं छोले चावल खा रहा हूँ। अभी बालियान को मैंने वापस भेजा राजमा चावल लेने के लिए, और ये दुकान तुम मतलब ऐसे जैन चावल वाले डाल दोगे ना तो भी ये गूगल मैप पे आ जाएगी, ये सीपी में है और ढाका पे शायद पराठे ले रहा पता नहीं क्या, और किंग कर रहे हैं आराम यार। बढ़िया हो गया, एलोवेरा जेल लगा लगा के हैं, काफी बढ़िया हो रही है स्किन। अभी हुआ था मुझे एक पिंपल, लेकिन अब ऐसा हो गया ना यहाँ पे हुआ था देखो, अब मुझे पिंपल भी दबे हुए से हुए हैं, ऐसे ज्यादा दिखते नहीं, माँ का आशीर्वाद ही है। अब है ये है असली मजा, राजमा चावल ढाका, एक राय तो और बोल दे। टेस्ट कैसा है? ये है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन सीपी, और यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है और हमें मिल गया, मतलब हम 1:30 बज रहे हैं, 1:30 तो बज रहा ना, 1:30 बजे, 1:30 बजे का ही स्लॉट है, 1:27 हो रहा है और 1:30 बजे का स्लॉट है। यहाँ पे हर आधे घंटे बाद है ना शायद, हाफ एन आवर बाद है। हाँ आज चीजें बड़ी स्मूथ चल रही, पता नहीं क्यों, वही तो सब टाइम से ही है। UPI और बता दे अपना, और अडल्ट का कितना है? 699 और चाइल्ड 260 मेरे ख्याल से, चाइल्ड का 260 है, तो तेरा तो 260 लगेगा दिमाग के हिसाब से, तो बहुत इजी बुकिंग थी इसकी, तो टू इजी, यहीं बच्चों को यहीं लाके बुक करें, वैसे मैं यही सजेस्ट करूंगा, यहीं दे देंगे QR कोड, यहीं बुक कर लो। तुम्हारी दादी का ऑटो जो पलट गया था, वो जो उसने पलटा दिया था ना CNG पकड़ के, माइंड फक, लेकिन माइंड तो रियल में हो सके, कैमरा में कैसा होगा मतलब, बीच में जैसे ब्लैक डॉट, इसमें ब्लैक होती नहीं ना कोई चीज, दिखेंगी सारे जहाँ से भी नजर हटाएगा बाकी सब ब्लैक दिखने से हो जाएगा। ये एक्चुअली ये ना ऐसे दिखे, तो यहाँ पे नॉर्मली खड़े हुए भी ऐसा लगता है कि लोग टिल्ट हुए हैं, हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े हुए, मतलब अपने हिसाब से ना हम लोग एकदम सीधा हैं। जा आप जाइयो, एक बार एक्सपीरियंस करके देख भाई यार, फील तो वही वाली है, बट कहना चोरी साहब पक्के आएंगे एकदम, बॉल्स पे ध्यान देंगे ना। एक चीज बताऊं, इसका है कि ये इस पे ध्यान ही मत दो, अगर तू इस पे ध्यान देगा ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पे देगा तो ऐसे लेगा ऐसे जा रहा है। चल यही बैठे, इधर से उधर जाना है फोन, तब से स्पीड ही जा पाया। ओके पहले चल डांगा जा, फिर तक जाके वापस आना है। आप देखे जाएगा, अबे इस
की है क्या? फ्रिज पे ध्यान रखो, ऊपर देखो ही मत, ऊपर देखते हुए जाना एक बार, सारे को देखते हुए जाए एक बार, इधर देख इधर देख, ये कोनों पे देख, मैं मजा आ गया, पर चक्कर खाने में ही मजा आ गया पूरा। एक एंगल से ये चेयर लगेगी, अब जाके बैठ इस पे भाई, नाइस। तू जा तू जा तू जा। और अगर रियलिटी में देखे, दिस इज इट। अपने बच्चों को जरूर लाएं। अथर्व एक्साइटेड हो जाता है। तो बता फोटो कैसी अच्छी आई? कैसी? ऐसे अगर तू जंप करेगा ना, पकड़ेगा उसको ऐसे, उस बीच को एडिट कर लेगा, तो वैसा आएगा ऐसा। ये मैं उतार के ले जाऊंगा अपनी क्रश के लिए। यो क्या चीज़ है? यो कर्व है ऐसे। हाँ। इसमें से बताइए पूरा निकलेगा या नहीं? नहीं निकलेगा। इन्फिनिटी रूम। So actually Infinity Room कुछ इस तरह का है। ये भी स्पेशली हमें देखने को मिला, रिकॉर्ड करने को नहीं मिला किसी को अंदर से। सो मैनी लक्ष्य, सो मैनी अवर्स। क्या है ये? यहाँ कुछ और दिखेगा, वहाँ कुछ और शेप दिखेगा। यहाँ पर टनल है। उस पे हाथ रख, उस पे हाथ रख। मुझे ना फील तेरे हाथों पे आ रही है। ये तो वही है, मैं कैसा स्पेल कास्ट करा जिससे हम टाइम पे वापस जा सके। सेम शेप है, बस घूम रही है, सेम शेप रोटेट हो रही है। तेरे को ऐसा लग रहा होगा क्यूब अंदर जा रहे हैं इसके। सब यहाँ पे है यार। ये वो है तुम्हारी दादी का पुडिंग केक है। एक ब्रांड आया करता था क्लास नोट, क्लासमेट का जेनरिक ब्रांड, वो सेम इल्यूजन्स दिया करता था अपनी कॉपी पे, और मैं फ्री टाइम में उन्हें देखता रह गया था, फिर टीचरों से पिटू था। इन दोनों में से किसके बराबर है बता? एक पहले तो मैं आंसर दूंगा, फिर वो देगा, देखे कौन से बताना। ये नीचे वाले के बराबर है, इस वाले के, ऊपर वाले के, वो बता रहा हूँ ये दोनों के बराबर है। अबे ये क्या है? ये तो मैं बना देता अपने, तो कुछ है ही नहीं फायदा, कुछ है ही नहीं। अबे इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्या करूं? यहाँ पे हल्की शांति मिली तो मैं बता दूं कि यहाँ पे वीकडे में आना, वीकेंड में बहुत भीड़ है, बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, कह रहे भैया नंबर दे दो, पर ब्लॉग भी देखेंगे वो। कोई नहीं, अगर तुम ब्लॉग देख रहे हो तो मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा तुम्हें। क्या है? क्या मिला किसी को ये बना के? मुझे नहीं समझ आया। ये तो जगह भरने के लिए बना दिया बस। हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे भाई हवा में नहीं, ये मिरर लगाया हुआ और ये ऐसा है हाफ। अब इधर आके भाई तो ट्रायंगल है, और इधर से अबे कलर रूल। ये तो भैया डीजे वाली लाइट है। अबे ये सारे कलर सही पढ़ के दिखा, ऐसे पढ़ूं या ऐसे पढ़ूं? ऐसे ही पढ़। ये लाइक इसको ग्रीन बोलना है। हाँ, है? हाँ, हाँ, इसको ऑरेंज। चल स्टार्ट कर। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, पर्पल। ये इसमें है क्या चीज? कैलाइडोस्कोप है। एक्सरे हो रहा भाई। हाँ, पैर बांप रहे थे क्या? अबे ओ भाई, लेकिन ये तो लेंस भी हमारे पास एक अच्छा है। हाँ, जो इतनी फोटो खींचते हैं, इधर से फोटो खींचती है उधर खिंचानी होती है। तू चाहे तो ये ले सकता है। मून लैंप 1000। माली का भी खर्चा नहीं मिल रहा, बच्चों के लिए अच्छे हैं। ये ले लूंगा, बनाता रहूंगा खाली टाइम में। सारे खो देगा, दो दिन बाद मिलने के भी, इनकी रोज गिनती करवा के रखवानी पड़ेगी, जैसे कैदियों की हो जेल में। अच्छे हैं पर ओवर एक्सपेंसिव है यार बहुत ज्यादा। ये जो यहाँ पे बार कोड रखे पेमेंट के, यहाँ अपना अपने बैंक अकाउंट का निकलवा के रख जाऊंगे। दो ही पेमेंट होने देंगे, तीसरे में ही पकड़ लें, पर QR कोड से पता तो लगे ही नहीं किसका। वही दो पेमेंट बाद भी फंस गए तो क्या दिक्कत? ये सामान तो मुझे जादू करके लग रहे। अच्छा वन टाइम एक्सपीरियंस है, बट बच्चों को लेके आना चाहिए, मतलब बहुत छोटे बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा। अगली बार बच्चे करके जैसे मैं और बाले आते हैं, बुद्धि लड़ा लड़ा गए, होशियार बनने के चक्कर में बड़ा तो एंजॉय नहीं करते। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? बच्चे को मजा आया ज्यादा, और वो बहुत सारी एक्टिविटी कर भी ले, हम तो बहुत सारी नहीं कर पा रहे थे बड़े होने की वजह से। वहाँ कोई क्या ही कहना। हाँ यार, वो कूदने फांदने वाली थी ना, जो ऑटो पे कूदने वाली, कोई नहीं। लेकिन अगली बार वो आएंगे अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के। इस पे तो ऑमलेट बन सके भाई साहब। गाड़ी का एसी ऑन करना पड़ेगा, इसमें वो रिमोट वाला फीचर नहीं है। भट्टी सी लग रही भाई। अरे भैया गर्मी तो चरम पे ही है, मन कर रहा तुम्हारा सीपी में घूमने का। घर चलो, शाम का प्लान बनाते हैं फिर कहीं का। हाँ, पाँच साढ़े पाँच शाम का प्लान बनाएंगे अपने बेडरूम में सोने का। भाई बजे ढाई घंटा रेस्ट कर रहे हैं, घर चल गया। चलो ओ भैया, गर्मी बहुत दिखी है, पर ऐसे नहीं, मुझे अभी पता चला, मुझे आज पता चला दिल्ली नोएडा में गर्मी भी हो रही है इतनी। रेड लाइट पर बढ़िया वाली बल्ब लगाए तुमने, पूरी 120 सेकंड वाली थी, खड़े पिछले डेढ़ मिनट से। बहुत गर्मी है और बहुत, मतलब भूल के भी कोई ना निकल जाए, मन भी नहीं हुआ तो सीपी की तरफ को देखने का भी। मगा भाई शाम को मिलेंगे 5-6 बजे। 42 डिग्री है ना आज का पक्के? 44 वही। चावल हाथ में लेके चलो भाई, जिंदगी जीनी तो एक गिलास ले गए, तीन गिलास ले गए।
बर्फ कह दी इनको बर्गा बर्मा एक बर्फ की बड़ी सिल्ली ले अंदर रख दे गाड़ी में थोड़ा नीचे रख दे एक्स्ट्रा स्मॉल है यार थक गया हूं ब्रो ईगल से बात करते करते आज का दिन तो ऐसा फ्रेश है ना कि अभी भी बाहर रात नहीं हुई और अब मैं दोबारा सो के उठ चुका मतलब एक पावर नैप तो नहीं है घंटे की पावर नैप तो नहीं कहने के और डागा तो अभी आउट ही था पता नहीं वो क्लिप डर लगा या नहीं ऐसे ही था मैं ओके तगड़ा बने बना दूं अभी तगड़ा हेलो गुड मॉर्निंग तो आज संडे और मेरे को बताना कि तुम्हें आज मतलब जो पिछले संडे का हमने रूटीन डाला था एक और संडे रूटीन डाले गए और मुझे लग रहा है अजय भैया पंकज में से कोई आया है या वीत और अभी देखो एक जानवर ये देखो रात में इतना भी वो नहीं करता क्यों पूछ ले वो कहाँ है ब्लैंकेट कहाँ है बेडशीट में यूज किया तो यार इनके साथ कब तक सोना पड़ेगा अच्छी सुबह भी नहीं होती कि कोई आगे चाय देती है अजय भैया का वेट करना पड़े बराबर में पड़े सांड ये कोई जिंदगी है क्या एक छोटी सी शादी कर लू क्या बड़ी सी गल्लू छोटी सी गल्लू यही तो यही तो कहे को आलस बुरी बला है कबीरा आलस बुरी बला है तू किस टाइम सोया बला तो आजकल बिल्कुल फिट टाइम सो जा फिट टाइम उठे टेंशन ही नहीं है कोई मैंने सोच रखा मुझे सबसे ज्यादा दिन जीना है नहीं मतलब ज्यादा दिन नहीं जीना मतलब दिन ज्यादा जीना जैसे कि 6 बजे से सुबह हो जा तो मैं एटलीस्ट 9 या 10 बजे तो उठ ही जाऊँ कम से कम मैं दिन के 3 ही घंटे वेस्ट करूँ और फिर अंधेरे तक जाऊँ अब मुझे लगेगी ज्यादा व्लॉगिंग हो जाए ज्यादा कुछ हो जाए जैसे कि कल भी हम इतना घूम घाम के 2 बजे तक आ गए थे और नहीं तो दीवार क्या करें हम साला 2 बजे तो हम सो के उठे थे एक चीज रूटीन में ऐड करनी है अब जो है पेट कम हो जाना बाकी सब बढ़िया है कपड़े सारे बढ़िया आ रहे हैं बट पेट पे यू करूं मार जा हल्का तभी तो ओवर साइज बनने लगे पेट पे करूं मार रहे थे पर अब मारेंगे नहीं चार पुशअप मार के अभी वो नहीं बने हैं क्या फिटनेस इज माय पैशन ये है मेरे सुबह के 4 पुशअप्स ब्रो आ